मैं कह रहा था आपसे कि 9 मिनट्स जाना 9 मिनट्स आना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 मिनट का ट्रिप, ऐसा नहीं है, वो इतना टाइम लगता है 9 मिनट्स वहाँ से यहाँ आने में, 9 मिनट्स यहाँ से वहाँ जाने में, तो ऐसा नहीं कि 18 मिनट में जो करना है करो, नहीं, 9 मिनट्स में यहाँ पहुँचे, फिर जो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपको स्की करनी है, आपको स्लेज पर बैठना है, आपको स्नो साइकिलिंग करनी है, जो भी आपके ऊपर है। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे बाल में, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। देखिए ये है पूरा केबल कार का, वहाँ पे हम उतरे थे, फॉग थोड़ा सा कम हुआ है तो आप देख सकते हैं व्यू कैसा है। बस ये चीज़ हम ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, सब लोग जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया है कि ज़्यादा देर अब नहीं रह सकते, आई डोंट नो कुछ या तो रिस्क होगा या कुछ होगा कि ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है, तो इसलिए सब निकल रहे हैं यहाँ से, ये ट्राई नहीं कर पाए। कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं और बस निकलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैप क्यों नहीं पहना हूँ, क्योंकि कैप ये पहनी है और यहाँ पे इतना थक चुके, गर्म बहुत लग रहा था तो इसलिए मैंने उतार दिया। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल, मतलब वैसे देख चुके हैं लेकिन ऐसे स्नोफॉल हो रही है, हम नीचे खड़े हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम है। तो अब मुझे समझ आया, जो अनाउंसमेंट हो रहा था वो ये नहीं कि स्नोफॉल हो रही है, कुछ हो जाएगा, बर्फ़ फट जाएगी, वो नहीं था। टिकट जो होते हैं ना वो आपके लिमिटेड टाइम तक के लिए वैलिड होते हैं, तो अगर आप उस टाइम के अंदर अंदर वापस नहीं आए तो आपको वापस से न्यू टिकट ख़रीदने पड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग का जो है टाइम टिकट का ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं वापस से। काफ़ी स्लिपरी जगह है, जा रहे हैं वापस गोंडोला कार में। चीज़ इसमें गोंडोला कार में ये है कि ये रुकती नहीं है, चलते में ही सबको बैठना है, मम्मी डैडी लोग वो जा रहे हैं, हम लोग की गोंडोला कार आ रही है, एंड बैठ गए भैया, एंड द गोंडोलो राइड स्टार्ट्स। ये देखिए आप, ये बहुत ही अजीब चीज़ हुई हमारे साथ, हमारा जो ये गोंडोला है बीच में रुक गया है, वो झूल रहा है, झूल रहा है, कुछ ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, हम बीच में फंस चुके हैं, कोई लैंड करा दो। हीरा मत, चलो 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 चलो, चल पड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट रीच हियर, बिस्मिल्लाह, स्लिप हो रहा है। तो अब फॉग जो था काफ़ी कम हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब क्या था, और अब देखिए ये देखिए ये पूरा फॉग से कवर्ड था। रुकिए, गोंडोला जाने के लिए वो है, वो ग्रीन ग्रीन जो है ये, यहाँ से जाते गोंडोला, वो लेवल्स हैं, हम गए थे लेवल 1 पर, जो कि था 10,000 फीट अबव द सी लेवल, एंड उसके ऊपर होता है लेवल 2 जो होता है 16,000 फीट। तो वो तो बंद था, वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि बर्फ़ बहुत थी, लेकिन हम यहाँ पे गए थे फर्स्ट लेवल पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया गुलमर्ग में। अब टाइम आ गया है यहाँ से चेकआउट करने का, जा रहे हैं श्रीनगर वापस से, उसके बाद वहीं पर थोड़ी बहुत जो शॉपिंग वॉपिंग करनी है जो भी है वहाँ देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ की, वहाँ पर फिर बैक टू मुंबई। कोई नहीं, देखते हैं।
गुलमर्ग जाने से पहले, गुलमर्ग का रास्ता ये है, ऊपर जाते हैं पहाड़ पर। गुलमर्ग जाने से पहले ये जगह पड़ती है जिसे कहते हैं टंग मार्ग। यहाँ से कंपलसरी होता है आपको मोटी जैकेट्स यहाँ से मिलती हैं, और गमबूट्स जो बड़े बूट्स होते हैं जो स्नो के लिए होते हैं गमबूट्स, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको दिक्कत हो सकती है पैर वैर, अगर स्नो अगर आप नॉर्मल शूज़ पहन के गए तो पैर सुन हो जाते हैं। रेंट पे मिलता है ये सब, तो आप जब गुलमर्ग पे गुलमर्ग जाएंगे, गुलमर्ग से वापस आएंगे तो आपको वापस से यहाँ पे देना पड़ता है। हम लोग भी यहाँ पे अभी इसलिए रुके क्योंकि हम लोगों ने अभी यहीं पे दिया, यहीं से लिया था। हमारे जो गाइड हैं जिनके साथ हम रहते हैं, सज्जाद भाई जो पूरा कश्मीर घुमा रहे हैं, वो उनका वेट कर रहे हैं अभी, वो आएंगे हमारी टेम्पो ट्रैवलर लेके आएंगे, फिर उसमें ही जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, दिक्कत हो सकती है यार अपने को। तो सुनने में आया अभी जस्ट कि दो दिन से ना कोई फ्लाइट श्रीनगर आई है, ना ही कोई फ़्लाइट श्रीनगर से उड़ी है। फॉग है, स्नो है, इसकी वजह से सब कैंसिल हो चुका है, और दो दिन के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस मुंबई के लिए। पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। होपफुली सब हमारे जाने से पहले सब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ताकि हम जा सकें वापस से। होप फॉर द बेस्ट, फ्लाइट्स वापस स्टार्ट हो जानी चाहिए, नॉर्मल हो जानी चाहिए, लेट्स सी। तो सज्जाद भाई भी आ गए हैं, हमारा टेम्पो ट्रैवलर ये रहा, सब सामान रख रहे हैं अभी ऊपर और अंदर। जस्ट हम रुके थे एक रेस्टोरेंट में जहाँ कल हमने चाय पी थी, वही रेस्टोरेंट में हम रुके हैं। यहाँ का जो रोड है में लाइट भी एक है, पूरा अंधेरा है पूरा। मन से पागा बुशी नहीं हूँ, कुछ नहीं सिग्नल नहीं है ज़्यादा, बस नॉर्मली गाड़ियों की जो लाइट है वही है। सो वी आर बैक इन श्रीनगर, पहुँच गए हैं मन्नत होटल जहाँ हम पहले भी रुके थे परसों। यस, तो जस्ट पहुँचे हैं, देखते हैं रूम कैसा है, क्योंकि पहले फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे थे, अब सेकेंड फ्लोर पे, देखते हैं रूम कैसा है। साइड